हेलो फ्रेंड्स आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए आपके सारे डाउट्स सेवन आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड्स ड्यू टू बार मैग्नेट एंड लेंथ 5.0 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज गिवन राइट द सेम एज इन एग्जाम्पल फाइव पॉइंट टू ओके तो यहाँ पर सिम्पल क्वेश्चन है राइट बार मैगनेट का यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है इक्विटोरियल एंड एक्सी एक्सीयल फील्ड ये हमें मिलने वाला है एक्सीएल फील्ड पर और इक्विटोरियल पॉइंट पे राइट right? अब बार मैग्नेट का लेंथ दिया गया है तो डिस्टेंस फिफ्टी सेंटीमीटर फ्राम इट्स मिड पॉइंट हमें उसका यहाँ पर इक्विटोरियल और एक्सीयल दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड फाइन करना है राइट right? तो पहले हम लोग इक्विटोरियल के बारे में बात करते हैं राइट बी ई मतलब मैग्नेटिक फील्ड इक्विटोरियल पॉइंट पे तो इज इक्वल टू म्यू जीरो राइट एम अपॉन फोर पाई आर क्यूब। तो ये इक्वेशन है इक्विटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करने के लिए राइट अब वैल्यूज रख देते हैं तो इज इक्वल टू पहले आएगा टेन डिश टू माइनस सेवन राइट इन टू ज़ीरो पॉइंट फोर फिर अपॉन जीरो पॉइंट फाइव रेज टू थ्री क्योंकि हमें फिफ्टी सेंटीमीटर पे फाइंड करना है फिफ्टी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बाय हंड्रेड मतलब ज़ीरो पॉइंट फाइव मिलेगा राइट right? अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो टेन रेज टू माइनस सेवन राइट इन टू जीरो पॉइंट फोर अपॉन यहाँ पर आएगा जीरो पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव ओके अब इसका कैलकुलेशन हमें मिलेगा इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन टेस्ला तो ये हो गया इक्विटोरियल पॉइंट पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड अब एक्सीएल के लिए तो एक्सीएल के लिए मैं लिखूँगा बी ए राइट एक्सीएल पॉइंट पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड तो बी इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो टू इंटू एम अपॉन फोर पाई यहाँ पर भी आएगा आर क्यूब राइट तो फोर पाई इंटू आर क्यूब अब वैल्यूज रख देते हैं तो इज इक्वल टू अगेन सेम मैनर में यहाँ पर टेन एच टू माइनस सेवन क्योंकि फोर पाई फोर पाई तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो इसी मैंने सिर्फ टेन एच टू माइनस सेवन लग, लिखा है यहाँ पर इंटू टू इंटू एम right? है जीरो पॉइंट फोर राइट अपॉन यहाँ पर अगेन डिस्टेंस सेम है डिस्टेंस इज ज़ीरो पॉइंट यहाँ पर हमने वन ट्वेंटी फाइव किया था राइट right? तो वन ट्वेंटी फाइव अब इसका कैलकुलेशन ऑब्वियसली पहले जो आंसर मिला था उससे डबल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन डिज टू माइनस सेवन टेस्ला राइट तो ये एक्सीयल पॉइंट पे जीरो पॉइंट फाइव मीटर पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड है ओके अगले क्वेश्चन में फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल पी प्लेस्ड एट डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट शो डिफरेंट पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज नीडल क्यू इन विच कंफिग्रेशन इज दिस सिस्टम इज फर्स्ट स्टेबल एंड सेकेंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ओके तो यहाँ पर स्टेबल का जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है ये यहाँ पर पूछा गया है राइट right? तो यहाँ पर सिस्टम स्टेबल है कौन से कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है और कौन से कॉन्फ़िगरेशन में अनस्टेबल है तो यहाँ पर अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट्स दिए गए हैं राइट right? अलग अलग ओरिएंटेशंस दिए गए हैं तो पहले हम लोग स्टेबल के बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की जो कॉन्फिग्रेशन है राइट वो कैसे यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है कैसे यहाँ पर अराइज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी एक डायपोल है राइट मान लीजिए कि Q क्यूं? क्योंकि एक पोटेंशियल एनर्जी होगी राइट अब वो पोटेंशियल एनर्जी वो मैग्नेटिक डायपोल अब हमने पी वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है राइट right? तो इसीलिए यहाँ पर जो क्यू है उस पर पी का मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो यहाँ पर उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा बी पी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी माइनस म्यू ज़ीरो एम पी अपॉन फोर पाई आर क्यूब, राइट तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पर लगा तो वो लग रहा है नॉर्मल बाय पे राइट अब नॉर्मल बाय के बाद हमें एक्सिस पे भी फाइंड करना है तो एक्सिस पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड तो बी पी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो राइट इन टू टू एम पी ये एक्सिस के लिए इसीलिए, लिए यहाँ पर टू मल्टीप्लाई हो गया अपॉन फोर पाई आर क्यू राइट अब ये कहाँ पर लग रहा है तो ये लग रहा है एक्सिस पे राइट right? ओके okay, अब यहाँ पर एम पी क्या है तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डायपोल पी ओके अब इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा जब एम क्यू बी पी के पैरेलल होगा और अनस्टेबल होगा जब वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे राइट मतलब के पैरेलल नहीं होंगे अब अभी मान लीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन Q3 Q3 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर राइट right? तो so, Q3 थ्री कंफिग्रेशन फॉर विच क्यू इज़ अलॉन्ग दी परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ द डायपोल पी तो यहाँ पर जो Q है वो अगर P डायपोल के परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे है तो यहाँ पर Q का मैग्नेटिक मोमेंट राइट पोजिशन थ्री के थ्री के मैग्नेटिक फील्ड के पैरल होगा इसीलिए वहाँ पर Q3 क्या होगा स्टेबल हो जाएगा राइट right? तो यहाँ पर अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो पी क्यू थ्री स्टेबल होगा राइट पी क्यू थ्री स्टेबल तो यहाँ पर ये देखना है पी ऊपर की तरफ क्यू नीचे की तरफ राइट बट दोनों वैसे पैरेलल है राइट वैसे ही दूसरा जो एलिमेंट है वो है पी क्यू सिक्स राइट अब पी क्यू सिक्स में जो क्यू सिक्स है वो ऊपर की तरफ है राइट बट दोनों के यहाँ पर जो डायरेक्शनस uh, है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल में है अब हम लोग बात करेंगे अनस्टेबल जो अनस्टेबल है वो तो अनस्टेबल एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पर तो पहला अनस्टेबल एलिमेंट है पी क्यू फाइव राइट तो पी क्यू फाइव अनस्टेबल है कैसे तो यहाँ पर पी अप है और क्यू फाइव राइट वो भी अप है तो दोनों यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में मतलब कि ऐसा बोला जाएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एंटी पैरल इसीलिए वो अनस्टेबल है वैसे ही दूसरा एलिमेंट है पी क्यू फोर राइट अब यहाँ पर दोनों एलिमेंट राइट इक्वेटर पे अगर देखा जाए तो एक दूसरे का ऑपोजिट है तो यहाँ पर वैसे एक दूसरे के ऑपोजिट होने के कारण यहाँ पर अनस्टेबल पी क्यू फोर हो जाएगा राइट right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कन्फिग्रेशन में जो सिस्टम है राइट वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो यहाँ पर वो कन्फिग्रेशन देख लेते हैं तो पहला कौन से में इक्विलिब्रियम नहीं है तो जैसे कि ओ पी की जो मतलब पी की जो डायरेक्शन है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में राइट तो अगर क्यू वन को देखा जाए तो वो उसके परपेंडिकुलर है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो पहला जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है पी क्यू वन राइट ये इक्विलिब्रियम में नहीं होने वाला दूसरा कॉन्फ़िगरेशन तो क्यू टू अगेन पी के तो परपेंडिकुलर ही है तो उसके हिसाब से पी क्यू टू राइट वो भी इक्विलिब्रियम में नहीं होने वाला राइट right? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है इक्विलिब्रियम एंड अन के लिए ओके okay, नाउ uh, इसी में सब क्वेश्चन में विच कम्फिग्रेशन करस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमोंग ऑल कंफिग्रेशन शोन तो सबसे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी तो सबसे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर राइट right? तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो Q6 है राइट right? तो Q6 सबसे नीचे की तरफ है राइट right? और वो पी uh, के में भी है तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट कंफिग्रेशन पोटेंशियल एनर्जी वो होगी पी क्यू सिक्स दिस इज अवर आंसर ओके हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ राइट तो मैग्नेटिज्म और गॉस लॉ के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली अब उस ऑब्जेक्ट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है अभी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है अब जो हमारा हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका वेक्टर जो वेक्टर डायरेक्शन है एरिया वेक्टर वो ऊपर की तरफ मिल रहा है राइट तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में गॉस लॉ पढ़ा था कि कोई भी क्लोज सरफेस पे हम लोग गॉस लॉ लो अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे वो काउंट करेंगे राइट और गॉस स्लो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो सरफेस एरिया है दोनों को मल्टीप्लाई करते थे दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो ये था गॉस स्लॉ इन इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर गॉस स्लॉ क्या कहता है कि जो भी क्लोज सरफेस है उसमें से जो भी मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है वो एग्ज़िट भी करेगा तो टोटल फ्लक्स कवर्ड बाई दैट ऑब्जेक्ट दैट इज़ जीरो राइट तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की फाइ बी ओके तो फाइ बी इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा सिग्मा डेल्टा फाइ बी मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स अगर लिए हैं हमने जो भी ऑब्जेक्ट के वो सारे ऑब्जेक्ट का यहाँ पर समेशन करना है सारे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का समेशन कर देना है राइट right? और लास्ट में जो बचेगा वो ऑल ओवर दी सरफेस होगा तो सिग्मा ऑल वेक्टर बी विच इज विच करस्पोंड टू आवर ऑब्जेक्ट राइट इन टू डेल्टा एस ये डेल्टा एस है एरिया वेक्टर ऑफ आवर ऑब्जेक्ट राइट एंड दैट इज़ इक्वल टू जीरो ये जीरो हो जाएगा राइट right? तो यहाँ पर डेल्टा एस क्या है डेल्टा एस इज टेन फॉर यहाँ पर आएगा ऑल मतलब पूरा ऑब्जेक्ट का एरिया मतलब लिख सकते हैं कि ऑल एरिया एलिमेंट राइट तो यहाँ पर आएगा ऑल एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी सेम इक्वेशन किस हिसाब से आती थी तो वहां पर फाइव ई e आता था राइट फाइव ई इज इक्वल टू सिग्मा ऑल ओवर दी सरफेस फिर आता था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस राइट वहाँ पर इलेक्ट्रिक uh, फील्ड आता था यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आता है बट यहाँ पर राइट हैंड साइड टोटल चार्ज अपॉन एप्सलो जीरो भी आता था मतलब कि ये जो चार्ज है वो एंक्लोज होता था सरफे मतलब सरफेस से राइट right? तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है अब जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है कोई भी क्लोज सरफेस का वो ऑलवेज जीरो होने वाला है अगले क्वेश्चन में मैनी ऑफ द डायग्राम्स गिवन इन फिगर शो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थिक लाइन्स इन द फिगर रॉन्गली पॉइंट आउट वॉट इज रॉन्ग विद दैम सम ऑफ दैम मे डिस्क्राइब इलेक्ट्रोसिटिक फील्ड लाइन्स करेक्टली पॉइंट आउट विच वंस ओके तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की बात हो रही है तो यहाँ पर पहला जो कॉन्सेप्ट है तो पहले कॉन्सेप्ट में यहाँ पर मैग्नेटिक फील लाइंस जो भी पॉइंट से बाहर निकल रहा है राइट वो यहाँ पर कैसा दिखाया गया है एक तो जो बाहर निकल रहा है वो एंटर होता हुआ नहीं दिखाया है राइट बट हमें यहाँ पर ये यह पढ़ा हुआ है कि जो भी मैग्नेटिक फील लाइंस एंटर हो रहा है वही बाहर निकल रहा है राइट तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो नहीं हो रहा है इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है राइट right? तो यहाँ पर ये जो फील्ड लाइन्स है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी चार्ज होगा तो चार्ज अपने में से कुछ इस तरीके से राइट right? यहाँ पर जैसे दिखा है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉसिबल है तो इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं राइट अब दूसरा दूसरा है यहाँ पर बी आ, जैसे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्रॉस हो रहे बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है तो मान लीजिए कि अगर वो क्रॉस कर रहे तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस मिलेगी और जो कि पॉसिबल नहीं है एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कभी भी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है इसीलिए ये भी हमारा रॉन्ग है तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग था ही क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछा था सेकेंड वाला भी रॉन्ग है राइट right? अब देखते हैं थर्ड वाला अब थर्ड में यहाँ पर कुछ टोरॉइड जैसा दिया गया है राइट right? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सर्कुलर मूव कर रहे हैं राइट right? तो यहाँ पर ये चीज़ सही है क्योंकि टोराइड में ये चीज़ पॉसिबल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप राइट फॉलो करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ सही है इसीलिए हम लोग यहाँ पर राइट ले लेते हैं ये है हमारा प्योर मैग्नेटिक फील्ड और ये टॉरेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है राइट फिर फोर्थ में यहाँ पर कुछ स्ट्रेट दिखा है राइट right? तो ये चीज़ रॉन्ग है राइट right? अब अगर हम लोग इसको सोलेनॉइड सोच लेते हैं क्योंकि ये सॉलेनोइड जैसा लग रहा है तो फील्ड लाइंस ड्यू टू सॉलेनोइड एट इट्स एंड्स एंड आउटसाइड कैन नॉट बी राइट बाहर सॉलेनोइड uh, में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगे बट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन दिखाए गए हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है जैसे ही सोलेनॉइड की लेंथ खत्म होती है वो कर्व्ड बन जाते हैं मतलब कि कुछ ऐसे बन जाएंगे तो यहाँ पर ये जो एम्पीरियन लॉ है उसको वायोलेट करता है क्योंकि एंड्स पे वो कर्व्ड नहीं है इसीलिए ये रॉन्ग है राइट फिर आगे चलते हैं आगे ई e. ई e पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाए गए जो कि राइट right है एक बार मैग्नेट में ये चीज़ सही होगी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें बहुत ही कम्फाइन मिलेगी और आउटसाइड वो स्प्रेड होगी राइट तो यहाँ पर हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल को एज्यूम करके एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये बार मैग्नेट है और उसी की ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर ये राइट right है राइट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन है राइट right? उसके बाद नेक्स्ट में हमें ये डायग्राम दिया गया है अब ये डायग्राम में कभी भी मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइंस ऐसी नहीं हो सकती ये हमारा रॉन्ग है कैसे अगर आप अपर रीजन देखोगे राइट right? तो वहाँ पर जो अपर रीजन है उसमें से फील्ड लाइंस राइट बाहर निकल रही है राइट right? तो यहाँ पर जो भी फ्लक्स है वो ज़ीरो नहीं हो रहा है अगर आप फ्लक्स की बात करोगे तो ज़ीरो होना चाहिए बट मैग्नेटिक फ़्लक्स यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो नहीं हो रहा है इसीलिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करती बट हाँ अगर सोचा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़रूर रिप्रेजेंट करती है कैसे तो यहाँ पर शेडेड लाइन में से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है राइट यहाँ पर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है राइट और बीच वाले रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव राइट तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड लाइंस हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं राइट right? और फिर लास्ट में ये जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं तो यहाँ पर आंसर है नहीं कर रहा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो पोल पे, राइट right, कभी भी स्ट्रेट नहीं होंगे यहाँ पर एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट मिल रहे हैं बट एंड्स पे कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट पॉसिबल नहीं है राइट right? इसीलिए यहाँ पर एम्पियर्स लॉ वायलेट हो रहा है इसीलिए ये गलत है राइट right? अगले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स शो द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट अलोंग विच अ स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल अलाइन एट दैट पॉइंट

अब यहाँ पर अगर हम लोग वो चीज़ नहीं दिखाते हैं, तो वो मिसलीडिंग हो जाएगी तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगी राइट right? फिर सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कंफाइंड विद इन दी कोर ऑफ अ टोरॉयड बट नॉट विद इन स्ट्रेट सॉलिडॉयड वाई तो यहाँ पर अगर फील्ड लाइंस कंफाइन होती है दोनों एंड्स पे तो यहाँ पर जो फ्लक्स है क्रॉस सेक्शन में से जो फ्लक्स हो रहा है राइट वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा अगर फ्लक्स नॉन ज़ीरो हो जाएगा तो वो तो जो मैग्नेटिक uh, फील्ड का जो लॉ है उसको वायोलेट कर रहा है राइट तो वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकता राइट तो इसी लिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि uh, टॉयड में वो पूरा कंफाइंड हो जाएगा बट सोलिनोइड में वो कभी भी कंफाइंड नहीं होगा राइट क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तो ज़ीरो ही होना चाहिए अब टोराइड है राइट टोराइड में ये चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वहाँ पर एंड्स हम लोग कनेक्ट कर देते हैं टोराइड में दोनों एंड्स हम लोग कनेक्ट करते हैं इसीलिए राइट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्टेड हाउ वुड दी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड ओके तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म राइट वो क्या होता है गॉस लॉ तो उसकी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं तो थर्ड गॉस लॉ इज इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस वैक्टर बी डॉट वैक्टर डेल्टा एस राइट और इज इक्वल टू ज़ीरो राइट अब यहाँ पर अगर मोनोपॉल्स एग्जिस्ट करते हैं राइट राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है राइट right? अब मान लीजिए कि यही चीज़ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचें तो अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पर इंटीग्रेशन फार्मूला आ जाएगी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एस मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है राइट right? तो इज इक्वल टू म्यू जीरो इन क्यू एम अब जो क्यू एम है वो क्या है तो वो है मैग्नेटिक चार्ज एंक्लोज बाय मतलब के सरफेस एरिया ओके डज अ बार मैग्नेट एग्जर्ट अ टॉर्क ऑन इट सेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड डज वन एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एग्जट अ फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर ओके तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर होगा नो no, राइट right? क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी टॉर्क है राइट right? तो टॉर्क कभी भी अपने ही फील्ड के कारण अपने ही ऑब्जेक्ट पे कभी भी वो एग्जर्ट नहीं होगा राइट right? बट वो अगर एग्ज होगा तो दूसरे एलिमेंट पे, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल वाला एलिमेंट होगा उसी पे वो एग्जर्ट होगा फिर नेक्स्ट द मैग्नेटिक फील अराइज ड्यू टू चेंजेस चार्जेस इन मोशन क्या ना सिस्टम है मैग्नेटिक मोमेंट्स इवन दो इट्स नेट इज ज़ीरो राइट तो यहाँ पर क्या आंसर होगा यहाँ पर फाइव में आंसर होगा यस yes, राइट right? क्योंकि जो भी सिस्टम है उसके एवरेज चार्ज की अगर बात की जाए तो वो ज़ीरो ही होती है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है राइट करंट लूप के कारण वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए राइट बट यहाँ पर अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें जहाँ पर एटम्स की नेट डायपोल मोमेंट उनके नेट डायपोल मोमेंट के नेट चार्ज ज़ीरो होते हैं राइट तो इसी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अराइज ड्यू टू चार्ज इन मोशन तो मैग्नेटिक मोमेंट्स का अगर नेट चार्ज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज अगर ज़ीरो होगा फिर भी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन तो प्रोड्यूस होने ही वाला है ना अगला टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिज्म राइट तो अर्थ का भी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है राइट right? और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो है टेन टू माइनस फाइव टेस्ला राइट तो यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ तो उसका अगर प्रूफ देखा जाए तो आप जब कभी भी किसी भी मैग्नेट को फ्री लटकाओगे तो वो नॉर्थ पोल पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन में ही रुकता है और साउथ पोल पर्टिकुलर साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है तो नॉर्थ और साउथ दोनों ही अलाइन हो जाते हैं तो ये एक प्रूफ है कि बाहर का कोई मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए कि जो उस मैग्नेट को पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है उसके फोर्स के अकॉर्डिंग राइट right? तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एग्जैक्टली exactly कहाँ पर है अपने जो अर्थ की मैग्नेट है उसका राइट right? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो जो एंगल है मैग्नेट जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस उन दोनों के बीच का एंगल है इलेवन पॉइंट थ्री डिग्री राइट अब जो भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो भी लोकेशन है मैग्नेटिक पोल राइट जैसे कि हम लोग अगर बात करें नॉर्थ पोल की अर्थ का नॉर्थ पोल है क्योंकि हर जो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उनके पास दो पोल्स होंगे नॉर्थ और साउथ तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो एग्जैक्टली सेवेंटी नाइन राइट पॉइंट सेवेंटी फोर डिग्री लैटिट्यूड पे और लॉन्गिट्यूड पे है वो सेवनटी वन पॉइंट एट डिग्री वेस्ट यहां पर वो नॉर्थ आएगा राइट तो ये नॉर्थ पोल की लोकेशन है अब ये जो 79.74 नाइन पॉइंट सेवेंटी फोर है राइट वो दैट इज ऑफ लैटीट्यूड एंड सेवेंटी वन पॉइंट एट दैट इज ऑफ लॉन्गिट्यूड राइट और साउथ पोल की अगर बात करें तो साउथ पोल का यहाँ पर प्लेस है यहाँ पर तो वो एंगल है पहले तो सेवेंटी नाइन पॉइंट फोर डिग्री साउथ एंड सेकेंड एंगल है वन ज़ीरो एट पॉइंट डबल टू डिग्री ईस्ट राइट तो यहाँ पर ये जो प्लेस है वो एंटार्क्टिका में है राइट तो जो भी पोल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के नज़दीक है जैसे कि तो उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे जैसे कि ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और जो भी जियोग्राफिक साउथ पोल के नज़दीक है वो हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल हो जाएगा राइट तो यहाँ पर फिगर में हमें दो एक्सिस दी है जैसे कि पहले है जियोग्राफिक एक्सिस एंड सेकेंड वन इज़ मैग्नेटिक एक्सिस ये वाली हमारी जियोग्राफिक एक्सिस है और ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है अब दोनों के ऑब्वियसली इक्वेटर्स भी होंगे कि जो दोनों के परपेंडिकुलर होंगे जैसे कि जियोग्राफिक का इक्वेटर है ये वाला जो उससे बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है उसको हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिक इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर थोड़ा टिल्टेड यहाँ पर मिलने वाला है राइट अब यहाँ पर अगर हम फील्ड लाइंस की बात करें राइट तो फील्ड लाइंस गो इनटू अर्थ एट नॉर्थ पोल यहाँ पर पूरा उल्टा है हम लोग बार मैग्नेट में, में पढ़े थे कि जो बार मैग्नेट होता है उसका अगर नॉर्थ पोल की बात करें जैसे कि यहाँ पर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो नॉर्थ पोल में ऑलवेज फील्ड आउटसाइड होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में और साउथ पोल में ऑलवेज फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होती है बट अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा उल्टा है यहाँ पर नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जा रही है अब ये उल्टा क्यों है अगर ये उल्टा नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मतलब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वर्क नहीं करेगा ये उल्टे होने की वजह से ही बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर आता है और साउथ पोल में एंटर करता है अगर ये डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो यहाँ पर भी ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी राइट तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है अगले क्वेश्चन में द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट फोर गॉस एस्टिमेट मोमेंट ओके तो यहां पर अर्थ की डायपोल मोमेंट फाइंड करनी है पहले अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर दिया गया है जीरो पॉइंट फोर गॉस राइट तो पहले मैं इक्विटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखूंगा एंड दैट इज बी इज इक्वल टू वो फॉर्मूला है म्यू जीरो अपॉन एम अपॉन फोर पाई आर क्यूब राइट अब बीई की वैल्यू यहाँ पर गीवन है राइट right? तो इक्वेशन में से मैं एम को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो एम सब्जेक्ट एम इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा बीई इन टू फोर पाई आर क्यूब राइट अपॉन यहाँ पर आ जाएगा म्यू ज़ीरो राइट अब म्यू ज़ीरो जो फोर पाई है वो हम लोग सीधा डिनोमिनेटर टू तो डिनोमिनेटर में भी रख सकते हैं राइट तो ये इक्वेशन को अगर मैं रीराइट लिखूं, तो m इज इक्वल टू बी ई आर क्यूब अपॉन म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई राइट ये उसकी इक्वेशन हो जाएगी अब हमें सिर्फ अंदर वैल्यूज ही रखनी है तो एम इज इक्वल टू बी ई बी ई क्या है तो वो है फोर इन टू टेन रेस टू माइनस फाइव टेस्ला राइट फिर वैल्यू आएगी r क्यूब r अब है यहां पर तो वो वैल्यू है अर्थ की रेडियस अब अर्थ की रेडियस है बेसिकली सिक्स पॉइंट फोर इन टेन एस टू सिक्स राइट दिस इज इन मीटर और उसका भी हमें क्यूब फाइंड करना है तो क्यूब आ जाएगा अपॉन म्यू जीरो अपॉन फोर पाई तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई होगा टेन डेस्ट टू माइनस सेवन राइट अब इसका कैलकुलेशन करें तो इसका कैलकुलेशन हमें मिलेगा वन पॉइंट जीरो फाइव इन टेन डेस्ट टू ट्वेंटी थ्री एम्पियर मीटर स्क्वा राइट अब ये जो वैल्यू है वो लगभग एट इंटू टेन टू ट्वेंटी टू एम्पियर मीटर स्क्वायर के नज़दीक है राइट right? अब इस वैल्यू को हम लोग जियो मैग्नेटिक एक्सिस जियो मैग्नेटिक राइट right? तो जियो मैग्नेटिक जो वैल्यू है वो उसके नज़दीक है और ये हमने फाइंड किया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड डीप राइट तो अब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बेसिकली क्या है तो पहले हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है अर्थ की सरफेस पे राइट right? अब यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट है उसका यहाँ पर एक्सिस निकालेंगे जैसे कि यहाँ पर डेक्लिनेशन पॉइंट से द एंगल बिटवीन फर्स्ट जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन मतलब कि जो जियोग्राफिक एक्सिस मिलती है हमें पोल्स के कारण तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन राइट तो एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन राइट मैग्नेटिक मेरिडियन अगेन क्या है तो जो मैग्नेटिक पोल्स के कारण जो एक्सिस जो लाइन ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं वो इमेजनरी uh, लाइन को हम लोग मेरिडियन बोलते हैं तो यहाँ पर एंगल बिटवीन दिस टू इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन राइट एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरेडियन एंड मैग्नेटिक मेरेडियन दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन राइट अब यहाँ पर जो डेक्लिनेशन है वो सबसे हायर वैल्यू होगी लेटिट्यूड्स पर एंड यहाँ पर जो डेक्लिनेशन है राइट वो स्मॉलर वैल्यू होगी इक्वेटर पर राइट इंडिया में जो डेक्लिनेशन है वो स्मॉलर वैल्यू है जीरो डिग्री फोर्टी वन मिनट ईस्ट एंड एट दिल्ली एंड जीरो डिग्री फिफ्टी एट मिनट वेस्ट एट मुंबई राइट ओके अब समझेंगे हम लोग मैग्नेटिक डीप एंगल तो यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल राइट अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्री रखें राइट तो जो नीडल एक एंगल बनाएगी राइट right? हॉरिजनटल के साथ निडल जो भी एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप राइट तो यहाँ पर जो डीप एंगल है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड और जो अर्थ है राइट right? उसकी सरफेस है उसके साथ जो एंगल बना रही है उसको हम लोग मैग्नेटिक डीप बोलेंगे राइट right? अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है तो पी पॉइंट पर अर्थ की सरफेस वाला टेंजट मैंने ड्रॉ किया राइट एंड मैग्नेटिक फील्ड राइट तो ये जो एंगल बना दैट इज डीप एंगल राइट तो यहाँ पर अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है जैसे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो बी ई है ये कंपोनेंट कॉम्पोनेंट है बी ई राइट एंड ये एच ई कॉम्पोनेंट है तो दोनों ही हमने हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स लिए राइट सो दिस इज हॉरीजोंटल कॉम्पोनेंट राइट एंड बी ई बी ई के साथ वो जो एंगल बना रहा है, दैट इज डीप एंगल ओके अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन uh, ध्यान में लेंगे जैसे कि जेडी राइट तो जेडी मतलब के वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग जेडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जेडी इज इक्वल टू इक्वेशन होगा इज इक्वल टू बी ई साइन आई राइट तो ये उसके कंपोनेंट हुए दूसरा कंपोनेंट जो कि हॉरिज़ॉन्टल कॉम्पोनेंट है एच तो ये सारे कॉम्पोनेंट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के ही लिख रहे हैं एच इज इक्वल टू बीई कॉस आई राइट अब यहां पर दोनों ही कंपोनेंट का मैं यहां पर रेशियो लूंगा तो जेड अपॉन एच ई राइट इज इक्वल टू बीई साइन आई अपॉन बीई कॉस आई तो यहां पर पहले तो जो बी ई बी ई है वो कैंसिल हो जाएगा राइट तो यहाँ पर जेड ई अपॉन एच ई मिला एंड राइट हैंड साइड साइन अपॉन कॉस ही रहा तो साइन अपॉन कॉस इज टेन आई राइट तो ये हमारा टेन आई हो गया अब यहाँ पर इस इक्वेशन में से हम लोग आई को इजीली फाइंड कर सकते हैं और डीप एंगल फाइंड कर सकते हैं राइट अगर आई को हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर आई को सब्जेक्ट बना देंगे तो आई इज़ इक्वल टू क्या करना है टेन इनवर्स जेड ई अपॉन एच ई फाइंड कर लेना है राइट तो जेड ई अपॉन एच ई टेन इनवर्स अगर फाइंड करेंगे तो हमें डीप एंगल मिल जाएगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजोटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो पॉइंट ट्वेंटी सिक्स गॉस एंड द डी पेंगल इज सिक्सटी डिग्री वॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन ओके okay. तो पहले हमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वो पहले हम लोग ले लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ई इज इक्वल टू दैट इज गिवन एंड दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट ट्वेंटी सिक्स गॉस राइट तो ये वैल्यू दिया है अब यहाँ पर कॉस सिक्सटी फाइंड करेंगे तो कॉस सिक्सटी तो कॉस फंक्शन इज इक्वल टू एच ई अपॉन बी ई राइट तो यहाँ पर इस इक्वेशन में से बी ई को सब्जेक्ट बना देंगे तो बी ई इज इक्वल टू एच ई राइट अपॉन कॉस सिक्सटी अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू एच ई एच ई की वैल्यू होगी जीरो पॉइंट ट्वेंटी सिक्स अपॉन कॉस सिक्सटी मतलब वन अपॉन राइट right? अब बी ई टू जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में राइट right? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर तो इसीलिए यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आंसर होगा जीरो पॉइंट फिफ्टी टू गॉस राइट right? तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दैट लोकेशन